हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। तो यार आपके स्मार्टफोन में आपके बहुत सारी इमेजेस होंगे या फिर बहुत सारी वीडियो होंगे या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे या फिर जो कुछ फाइल होंगी वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने किसी को स्मार्टफोन दे दिया या फिर अगर आपसे भी कभी कभी कोई जो इंपॉर्टेंट इमेज होती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होता है वो डिलीट हो जाता है, ऐसे में आप सोचते हैं कि वो वीडियो रिस्टोर करने का अगर कुछ ऑप्शन होता तो आप जो है उसे यूज़ करके उस वीडियो को या फिर उस इमेजेस को रिस्टोर कर लेते। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप अपने जो भी डिलीटेड वीडियो या फिर इमेज है उसे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, दोनों ही तरीके आप यूज़ करके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या फिर वीडियो फाइल्स है या फिर अगर इमेजेस है जिसको कि आप स्टोर करके रखना चाहते हैं लेकिन आपके स्मार्टफोन में की स्टोरेज है वो बची ही नहीं है, वो थोड़ी बहुत ख़त्म होने को आई है, और अगर आपने एक्सटर्नल मेमोरी भी लगा रखी है और उसमें भी स्टोरेज अगर ख़त्म होने को आई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और वीडियो का लिंक मिलेगा जिसके अंदर मैंने बताया है कि आपको 1 TB तक की स्टोरेज फ्री में कैसे मिल सकती है, उसी के बारे में मैंने उस वीडियो में बात की है। सो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वीडियो या फिर इमेजेस फाइल है तो आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट ज़रूर करना, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी चेकआउट ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर आपको आपके स्मार्टफोन की गैलरी में आ जाना होगा। गैलरी में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा या फिर अलग अलग स्मार्टफोन में अलग अलग इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आजकल के सभी स्मार्टफोन में आपको एक रिसेंट डिलीटेड या फिर ट्रैश का एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो सिंपली से यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो भी डिलीटेड आइटम्स है यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। सो दोस्तों यही से मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। ये जो है 1 महीने के लिए यहाँ पर रहेंगे, अगर 1 महीने तक मैंने इन्हें रिस्टोर नहीं किया तो ये जो है यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपसे भी किसी अगर गलती से कोई इमेजेस या फिर कोई वीडियो अगर डिलीट हो गया है तो यहाँ से आपको बस इसे रॉन्ग प्रेस करना है, नीचे की तरफ आपको रिस्टोर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, बस आपको रिस्टोर कर देना है। और फिर ये जो इमेज या फिर जो वीडियो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ये आपकी मेन गैलरी में यहाँ पर दिखने लगेगा, इमेज जो है वो रिस्टोर हो। पहले तरीके में तो आपको सिंपली से गैलरी में से ही आप अपना जो इमेज है उसे रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ से भी आपकी इमेज जो है अगर डिलीट हो गई है तो यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ जिसका नाम है डिस्क डिगर, या फिर आप जो प्ले स्टोर से ऐसे कई सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको सेम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये जो है आपने जो भी इमेजेस डिलीट की होगी या फिर जो भी वीडियो डिलीट की होगी वो सभी के सभी वीडियो या फिर जो इमेज है या इस ऐप में स्टोर हो जाएगी, जिसके ज़रिए आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, सिंपली से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक बैकअप के ज़रिए आप जो है इस ऐप को यूज़ करके देख सकते हैं। सो सिंपली से आपको इस ऐप को ओपन कर देना होगा। इस ऐप को ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में जो भी जितनी भी सारी इमेजेस या फिर जितनी भी सारी वीडियोस होंगी वो सभी के सभी यहां पर स्कैन हो जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको वो सभी के सभी इमेजेस या फिर जो वीडियो है यहां पर आपको दिखने लगेंगी। उसके बाद अगर आपने कोई भी अगर इमेजेस या फिर कोई भी अगर वीडियो गलती से भी या फिर अगर अपने जानबूझकर भी डिलीट कर दी है तो वो सभी के सभी वीडियो या फिर इमेज जो है यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहां से आप जो है उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं, चाहे वो आपकी इंटरनल मेमोरी में हो या फिर अगर आपने कोई एक्सटर्नल मेमोरी स्लॉट भी लगा रखा हो या फिर अगर आपने कुछ मेमोरी कार्ड अगर इसमें आपके स्मार्टफोन में इंसर्ट करके रखा हो तो वो भी यहाँ पर आप स्कैन कर लेगा। उसके बाद अगर आपकी मेमोरी कार्ड में से भी कोई अगर इमेज या फिर वीडियो अगर डिलीट हो जाता है तो उसे भी आप जो है इस एप्लीकेशन के जरिए रिस्टोर कर सकते हैं।